हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपका समर का हॉलीडे होमवर्क क्लास फर्स्ट इंग्लिश। इससे पहले हमने हिंदी का किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें ये रीड अलाउड करना है। आप मेरे पीछे पीछे बोलना। तो पहला हमारा वर्ड है ए ए ए फॉर एप्पल, बी 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 फॉर बॉल, सी 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 फॉर कैट, डी 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 फॉर डॉग, ई ई ई फॉर एग, एफ 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 फॉर फ्लावर, जी 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 फॉर गोट, एच 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 फॉर हैंड, आई 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 फॉर आइसक्रीम, जे 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 फॉर जग, के फॉर काइट, एल 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 फॉर लॉयन, एम 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 फॉर मैंगो, एन 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 फॉर नेस्ट, ओ ओ ओ फॉर ऑरेंज, पी P P for potato, Q Q Q for queen, R R R for rabbit, S S S for sun, T T T for toy, U U U for umbrella, V V V for van, W W W for watch, X X X for X-ray, Y Y Y for yo-yo, Z Z Z for zip। अब हम सेकंड वर्कशीट करते हैं। अब हमें इसमें लाइंस को मैच करना है ऐसे। तो अब बाकी जो बची दो लाइन है वो आप खुद ही, तीन लाइन है वो आप खुद कंप्लीट कर लेना। अब हम नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्कशीट पर जाते हैं। इसमें हमें स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। मैंने लिख दिए, अब आप भी लिख लेना ऐसे। और इसमें स्मॉल लेटर लिखने हैं। अब नेक्स्ट वर्कशीट है, हमें वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो पहली पिक्चर है हमारे पास डॉग की, तो डॉग की स्पेलिंग तो DOG, और बॉल की होती है BALL, और थर्ड पिक्चर है कप की, CUP कप, और फोर्थ है कैट की, CAT। और अब हमें ये जो वर्ड्स हैं जो हमें ऊपर लिखे थे, अब हमें उसको नीचे लिखना है ऐसे बिल्कुल। और नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी, अब हमें इनको, इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, और उनकी जो स्पेलिंग है वो नीचे स्पेस में लिखी है उनको लिखनी है। तो पहली पिक्चर है हमारे पास ऑरेंज की, जिसकी स्टार्टिंग होती है ओ से, ORANGE, और ORANGE। तो अब हमें इन स्पेस में ऑरेंज लिखना है। और सेकंड पिक्चर हमारे पास गर्ल की, GIRL, GIRL स्पेस में लिखनी है। और थर्ड है आइसक्रीम की, ICECREAM, और ICECREAM। अब हमें ये जो पोएम है इसको रिक्रिएट करना है इनकी राइम को पढ़ के। तो पहला है मून 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 कम डेली सून, यू कम एट नाइट, यू आर वेरी ब्राइट। अब हमें रिदम वाले वर्ड्स को देख पढ़ना है और मैच करना है। रिदम वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड होता है वो सेम होता है, जैसे मून सून नाइट ब्राइट ऐसे। और इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। तो आज हमने इंग्लिश की है, और आपके पास हिंदी की, अगर आपने नहीं कर रखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।